हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, आगे चल के भी बढ़िया रहना। तो गाइज, आज मेरे पास बहुत सारी न्यूज एंड स्टोरी, तो आज की वीडियो तुमने इन तक जरूर देखना। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं लोकेश गेमर के बारे में। लोकेश गेमर की गर्लफ्रेंड एलआर मून को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। एक्चुअली सीन कुछ ऐसा था कि कल लोकेश गेमर की गर्लफ्रेंड एक ब्लॉग वीडियो में प्रमोशन कर रही थी, तो प्रमोशन के टाइम पे उन्होंने थोड़े से अश्लील टाइप के कपड़े पहने थे, तो उसी के लिए फ्री फायर की ऑडियंस उनको कमेंट पे बहुत ज्यादा ट्रोल कर रही है। आप लोग कमेंट साफ साफ देख सकते हो, जिसमें लोग बोल रहे थे कि लेजेंड्स नेवर मिस प्रमोशन पार्ट। और इसके बाद एक बंदे ने उनको ट्रोल करते हुए बोला कि लोकेश गेमर के पास इतनी पैसा है फिर भी वो तुम्हारे साथ गर्लफ्रेंड बनकर तुम पे एहसान करता है। तो इसी के ऊपर रिप्लाई करते हुए क्या क्या बोला है आप लोग साफ देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते अपने अगले न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं तूफान एफएफ की। तूफान एफएफ की कुछ दिन पहले लाइव स्ट्रीम में ही कोई बंदा आईडी हैक कर रहा था और हैकर उनसे 10,000 रुपए की डिमांड भी कर रहा था, बट एक्चुअली में रियल में एक प्रैंक था। शैडो एफएफ उनके साथ प्रैंक कर रहे थे। आइए इस वीडियो का छोटा सा पार्ट आपको प्ले करके दिखा देता हूं। रिकॉर्डिंग ऑन है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं। अरे माइक पे कौन बोलता है भाई? अरे सॉरी। हेलो 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 भाई, अरे क्या हुआ ये तो बताओ। अरे शैडो भाई रुको, बताए बताए रुको, सुन भाई माइक तो उनका बताए। शैडो भाई बताए रुको भाई मेरी। अरे हुआ क्या भाई ये तो बताओ। अरे चुप एक मिनट यार रुको भाई। अरे शैडो भाई चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेतु आईटी के बारे में। बेतु आईटी ने गरीना फ्री फायर को एक्सपोज कर दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेतु आईटी गरीना पार्टनर प्रोग्राम में है, और एज ए पार्टनर प्रोग्रामर आप गरीना फ्री फायर को उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, बट फिर भी बेतु आईटी ने गरीना पार्टनर प्रोग्राम में होते हुए भी फ्री फायर को एक्सपोज कर दिया। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि अब उनको पार्टनर प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं एमजी अल्फा के बारे में। एमजी अल्फा और टेक प्रो हर्ष के बीच कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। एमजी अल्फा ने टेक प्रो हर्ष को देशद्रोही तक बोल दिया। उन्होंने बोला कि टेक प्रो हर्ष ऐसी ऐप का प्रमोशन कर रहा था जिसको इंडियन गवर्नमेंट बहुत पहले बैन कर चुकी है, और इसी के बाद टेक प्रो हर्ष के कमेंट में देशद्रोह का स्पैम बहुत ज्यादा ही होने लगा। सफाई कैसे देता है अपने सब्सक्राइबर को? ये बंदा बोलता है कि लोटस 365 बिल्कुल इलीगल एप्लीकेशन है, मतलब इसका बच्चा बुद्धि दिमाग तुम समझो। कि लोटस 365.com को बैन किया था लेकिन ये एप्लीकेशन .in है, मतलब देख रहे हो ये बंदा हमें सिखा रहा है .in और .com का मतलब। मतलब भाई पहला चीज तो ये कि जब गवर्नमेंट ने लोटस 365 को बैन किया तब इसने क्या किया कि जो .com है उसको हटा के .in कर दिया। लोटस 365 बैन होने के बाद उसने बस अपना डोमेन चेंज किया है, मतलब .com को हटा कर उसने .in किया है। अब गाइस तुम ही लोग मुझे बताओ क्या नाम चेंज करने से उसका मकसद और उसका काम चेंज हो जाएगा? जनता माफ नहीं करेगी। सेम उसी तरह लोटस 365 को बैन किया था उसके कामों की वजह से। वो कोई चाइनीज एप्लीकेशन नहीं था, वो बेटिंग और गेमिंग वेबसाइट था, इसीलिए उसको बैन किया गया था। ये चीज एक बच्चा भी समझ सकता है। खा के बोल रहा हूँ कि तुम YouTube पे नहीं दिखने वाले हो, इसका एक वार्निंग तुमको अपने चैनल पे मिल चुका है, और इस चीज के परिणाम भी तुम देख रहे हो कैसे तुम्हारा व्यूज आ रहा है। तो तुम्हारा भलाई इसी पे है कि जो तुम काम कर रहे हो ना उस पे तुम थोड़ा सुधार लाओ, और मेरे चैनल के साथ कोई भी एक्टिविटी मत किया करो, वरना तुम जिस चैनल पे जाओगे उस चैनल को मैं टारगेट करूंगा। अभी तो मैं और कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ एक्टिविटी करते हुए तुम दिख गए तो तुम्हारा खैर नहीं। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। चलो चलिए वीडियो में आगे बढ़ लते हैं, बात करते हैं शिवम मलिक के बारे में। शिवम मलिक और मनोज देव का एक न्यू इंटरव्यू वीडियो सामने आया था, जिसमें शिवम मलिक कैरी मिनाटी को रिप्लाई करते हैं। शिवम मलिक को कैरी मिनाटी ने कुछ नहीं पहले रोस्ट किया था, उसी को ऊपर रिप्लाई करते हुए कैरी मिनाटी को शिवम मलिक कुछ ये बोले हैं। हाँ तो आपने शिवम भाई इतना तेजी से ग्रो किया है ना इंस्टाग्राम पे, जिस वजह से क्या हुआ पास्ट में आपको लेकर काफी सारे कॉन्ट्रोवर्सियल वीडियोस भी बनाए। हाँ जी, हाँ जी। आप सबको अगर नहीं पता तो बता दूं, पता ही होगा इनकेस, मुझे ऐसा लगता है कि कैरी मिनाटी के चैनल पे भी इनका एक ऐसा वीडियो बना था, नेगेटिव वीडियो। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। ये सब चीजों का आप कैसे मतलब हैंडल किए, कैसे बहुत सारा कमेंट नेगेटिव कमेंट वगैरह भी आया होगा। अब इस एंगल को ना दो तरीके से देख सकते हैं, और मैं दोनों तरीके से देखता हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा भी नहीं हूँ कि बिल्कुल एक अच्छा इंसान बन के बोलूंगा कि हाँ वो अपना काम कर रहे हैं तो ठीक है उन्हें करने दो या कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों एंगल से देखता हूँ, दोनों सिक्के के दोनों तरफ से पहलू से। तो या तो ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें उनका वो कंटेंट है, उन्हें मुझसे कंटेंट मिला और मेरी वजह से उनकी वीडियो बनी और ठीक है कोई नहीं। और दूसरी ये चीज़ भी देख सकते हैं, जैसे हमारे लिए वो वीडियो बनाते हैं, बताते हैं हमारी खामियां गलतियां, फिर मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ जनता के, तो क्या पता वो खामियां मेरे अंदर सच में है और वो चीज देख के मैं अपने आप को सुधार रहा हूँ। और दूसरा मैं उस एंगल से भी देखता हूँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सोचने में। जैसे हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, टाटा हैरियर आपके पास, मेरे पे भी सेम है, दोनों भाई तो हम गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में हम इधर उधर जाते हैं, तो आपने देखा होगा बीच में बाइक पे भी जा रहे हैं तो कुत्ते अगल बगल में बहुत आते हैं भौंकने वाले, है ना? ये ठीक है बात, और हम जा रहे हैं, हमारी मंजिल है बहुत आगे,
अब रास्ते में इस चौराहे पे कुत्ते आए, उस पे आए, उस पे आए, उस पे आए। अब ऐसे तो नहीं हर चौराहे पे ब्रेक मारेंगे, गाड़ी से उतरेंगे, कुत्तों को भगाएंगे, चलो भाग जाते हो, चलो भाग, नहीं करेंगे हम ऐसा। हम अपनी गाड़ी सीधी चलाते रहेंगे, करके चलेंगे। हाँ, तो दोनों तरफ से आप इस एंगल को देख सकते हो, तो ठीक है, बिल्कुल एकदम महात्मा गांधी बन के जियोगे तो ये दुनिया आपको ढंग से जीने देगी। चलिए बढ़ते अपने अगले नीचे तरफ, बात कर लेते हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। ट्रिगर्ड इंसान ने फिर से एक भाई थारा भाई जोगिंदर को रोस्ट कर दिया। अरे साहब वो दिन बहुत पुराने हो गए, चले गए कुछ खाने का। वही है ना जो टिकटॉक पे बहुत सारी वीडियोस बनाता था। थारा भाई, थारा भाई साहब, जब से टिकटॉक बंद हुआ है सड़क पे आ गया हूँ, एप्पल वॉच चार्ज करने के भी पैसे नहीं बचे हैं साहब, कुछ खाने का। भिखारी पहनी एप्पल वॉच हुई है, चलती नहीं है ना। पहले तो बहुत पैसे कमाता था। अरे धंधा बंद हो गया जब से टिकटॉक बंद हुआ है साहब, क्या करूँ सड़क पे आ गया हूँ। तू क्या, चलिए बात करते हैं कुछ स्टोरी की तरफ। सबसे पहला स्टोरी आता है टाइटन प्रो गेमिंग की तरफ से। इन्होंने फ्री फायर के ऑडियंस को थैंक्स बोला है ताकि इन्हीं की फ्री फायर के ऑडियंस की वजह से इनकी मां का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। चलिए बात करते हैं कुछ अचीवमेंट की तरफ। सबसे पहले गेमिंग विद मोदी ने कंप्लीट कर लिए हैं 2 लाख सब्सक्राइबर, 143 ने कंप्लीट कर लिए 3 लाख सब्सक्राइबर एंड साहिलूम ने कंप्लीट कर लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना मत भूलना। एंड आप लोग मेरे से बात करना चाहो तो मैं इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट में डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। मैं वहाँ पर हर एक बंदे का मैसेज रिप्लाई करता हूँ, चाहो तो इंस्टा पर मैसेज और फॉलो कर सकते हो। एंड चलो इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।